असलम एवरी एवरीवन दिस इज मी मुकद्दस है क्या हाल चाल है उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो है क्योंकि आज डिफरेंट प्रोडक्ट एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि लोरियाल ब्रांड की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में ऑल दो ये बाकी कंट्रीज में काफी पहले का लॉन्च हो चुका हुआ है और मैं इनकी वीडियोज देखती थी और मुझे था कि यार कब ये पाकिस्तान में आएगा मैं फटाफट से इसको ऑर्डर करूंगी मजीद आपको वेट नहीं करवाते जल्दी से कितने वीडियो स्टार्ट हाइलोरॉनिक एसिड के फायदे तो सबको पता है कि फेस पे हाइलोरॉनिक एसिड लगाने के क्या क्या फायदे हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको हाइलोरॉनिक एसिड के बारे में नहीं पता तो आप लोग सर्च कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी ढेर सारी वीडियोज हैं हाइलॉनिक एसिड कौन सी कंपनी का अच्छा है उसके बेनिफिट्स क्या है क्यों जरूरी है और इसके अलावा ये कि आप घर पे भी कैसे बना सकते हो हाइलरॉनिक एसिड क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाइलोरॉनिक एसिड जो है वो काफी एक्सपेंसिव है वी कैन नॉट अफोर्ड इट तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो आप लोग घर में भी बना सकते हो ठीक है उसकी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर लगाते हो आप आपकी फेस की स्किन को यंग रखता है रिंकल्स दूर हो जाती हैं, ड्राइनेस डलनेस जो है वो खत्म हो जाती है आपकी स्किन के अंदर जान आ जाती है क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड में अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी स्किन के अंदर वो जो सपल स्किन होती है सॉफ्ट शाइन ग्लो वो ना कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने जब आप पैदा होते हो ना तो हाइलोरॉनिक एसिड की मकदार समझ लो हंड्रेड परसेंट होती है तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो वह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है इसीलिए कहते हैं कि जी वो प्लम्पी स्किन सप्पल स्किन वो जो जवानी में होती है यानी कि पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस साल की होती है तो जब आप आपकी एज ज़्यादा हो जाती है ना तो वो कम होना शुरू हो जाता है हाइलोरनिक एसिड ठीक है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं पिगमेंटेशन भी कुछ लोगों को हो जाती है और स्किन डल भी हो जाती है ऐसी सूरत में आप लोग हेलरोनिक एसिड यूज करते हो फेस के ऊपर आपकी स्किन निखर जाती है जवान स्किन जो थी आपकी जो चली गई थी वापिस आ जाती है रिंकल्स काफी देर तक डिले हो जाती है और आपकी स्किन आपको खुद प्लंप हुई हुई नजर आती है वट अबाउट दिस थिंग अगर मैं आपको बोलूं कि हेलरिक एसिड थोड़ा सा बालों पर भी लगा लो आइडिया बुरा नहीं है तो अगर तो बालों पे भी लगाते हो तो बाल जो आपके मुरझाए हुए हैं ठीक है लोग तो जी जो कहते हैं कि हमारे जो है ना बाल झाड़ू की तरह हैं हम कुछ भी लगा लें सॉफ्ट सिल्की नहीं और बेजान और ऐसे रूखे फूले फूले से बाल लगते हैं ठीक है थीके? अभी भाई तो भी आप लोग कह रहे होंगे हाँ जैसे कि मेरे हैं <laughs> मैं आपको एक बात बताती हूँ मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ ना वो है लोरियाल का ये वाला शैम्पू वादे के मुताबिक जो कि ये है मेरा कि जब भी कोई मार्केट में नई चीज़ आएगी तो मैं उसका आप लोगों को रिव्यू लाजमी शेयर करूंगी तो वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ इस वाले शैम्पू का रिव्यू लेके जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है लोरियाल ब्रेंड एलवाइव हेलोरॉन मॉइस्चर न्यू शैम्पू इनका आया है पाकिस्तान ने रिसेंटली अभी इन्होंने लॉन्च किया है लोरियाल ने अच्छा इस तरह के बाल जो है ना वो मेरे अभी कंडीशन जो है वो बालों की बहुत रफ़ है उसकी रीज़न क्या है क्योंकि मैंने जब ये शैम्पू मंगवाया ना इसको तकरीबन मैंने कोई पाँच छः दिन रेगुलर यूज़ किया पाँच छः दिन रेगुलर यूज़ करने के बाद मैंने बीच में इसको छोड़ के तो बाकी तकरीबन कोई तीन से चार दफ़ा मैंने जो मेरा रेगुलर शैम्पू था मैं वो यूज़ करती रही हूँ ठीक है मैं जस्ट ये देखना चाह रही थी कि जब इस शैम्पू को यूज़ करना मैं छोड़ देती हूँ तो मेरे बालों पे क्या इफेक्ट आता है और कितने अरसे तक मेरे बाल जो है वो वैसे ही रहते हैं जो कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मतलब नजर आते हैं ठीक है अच्छा जनाब इस शैम्पू की खासियत क्या है कि ये आपके बालों के अंदर हाइलोनिक एसिड जैसे स्किन से निकल जाता है इसी तरह साथ साथ आपके बालों से भी निकल जाता है जिसकी वजह से आपके बाल बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं बूढ़े से मुराद ये नहीं वाइट हो जाते हैं बूढ़े से मुराद ये है कि यू you नो know, मतलब फूले डेड से डैमेज से और अजीब से रूखे हो जाते हैं शाइन नहीं आती बालों में बाउंस नहीं आता आप जो कहते हैं कि बाल हमारे बाउंसियर नहीं है वो नहीं होता है या आप ढेर सारे प्रोडक्ट लगाते हो ऑयलिंग ढेर सारी करते हो फिर जाके आपको शायद ये रिजल्ट मिलता है बोलूं कि आप लोग इसको एक दफा ट्राई करो आपको फर्स्ट वॉश से ही आइडिया हो जाएगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना अगर आप स्किन फेस के ऊपर हेलोरॉनिक एसिड लगाते हो इसी तरह जब आप ये लगाओगे वेरी ऑनेस्टली वेरी ऑनस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट uh, क्योंकि मैं जब शॉवर लेती हूँ तो मैं शैम्पू दो दफ़ा करती हूँ ठीक है फर्स्ट टाइम पे जो आपकी वो ऑयल और स्वेट वगैरह होता है वो एकदम अच्छे तरह से निकल जाता है ठीक है अब दूसरा जो स्टेप होता है उसमें ये होता है कि डीप क्लीनिंग करना होता है क्योंकि मेरे बालों में uh, मेरे ख्याल से एक दफ़ा शैंपू लगाना अनफ नहीं होता तो मैं हमेशा दो दफा शैंपू लगाती हूँ फर्स्ट टाइम पर जब मैंने इसको शैंपू किया बालों में जो मेरा ऑयल वगैरह आया हुआ था स्वेट जो था वो निकल गया उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम किया एंड ट्रस्ट मी शैम्पू करके उसको रिंस करने में मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए इतने सॉफ्ट हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ आपको पता है मैंने आपको काफ़ी सारे शैम्पूस का रिव्यू किया है ट्रस्मे का शैम्पू रेड कलर वाला जो है वो मेरा फेवरेट रहा है ठीक है वो मैं आपको कहती हूँ कि डैमेज बाल हैं तो आप लोग वो यूज़ करो नंबर टू मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग वो जो लोरियाल का जो होता है ना ऑरेंज वाले पास रखा हुआ मैं आपको कहती हूँ ये वाला ये वाला यूज़ करो ठीक है इसके भी बहुत बहुत, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं नो डाउट ठीक है लेकिन अगर आप कुछ अगर एक्स्ट्रा चाह रहे हो और आप ये कहते हो कि बाकी चीज़ों से थोड़ी सी जान हमारी बच जाए जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स हम लोग लेते हैं तो फिर उसके लिए आप लोग मैं आपको बोलूंगी एक दफ़ा इसको स्विच करके देस थ्री yes, सिक्सटी एम का है और ये आपको मिल जाएगा नाइन फोर्टी नाइन रूपीज़ के अंदर दराज पे अवेलेबल है मैंने वहीं से ऑर्डर किया है लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को अगर लेना हुआ तो आप लोग परचेज कर सकते हो अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही आया मैंने इसके कंडीशनर के लिए और उस मास्क के लिए अलफतः फिर यूँ नहीं मिला इम्तियाज़ फ्रीय नहीं मिला ऑनलाइन देखिए सारी वेबसाइट्स कहीं से भी इसका जो है ना कंडीशनर नहीं मिला अगर कोई बंदा जो कि जिसको पता हो कि इसका कंडीशनर और इसका जो है, वो कहाँ से मिल सकता तो मुझे मुझे करते, करते इतने मज़दार, इतने मज़दार है मुझे प्लीज कमेंट से लाजमी बताइएगा जो मैंने ओरेंज वाला शैंपू दिखाया ना उसी का कंडिशनर मैंने इसके बाद लगाया तो सोने तो सुहागा होगा क्योंकि उसका जो कंडिशनर है वो बहुत अच्छा है ठीक बात आप दूसरी दफा बालों को वॉश करोगे तीसरी दफा करोगे बाल आपके मजीद प्यारे हल्के फुलके बा हो जाएंगे और लाइट वेट से होंगे ऐसे नहीं होगा कि जैसे कोई आप यू you नो know, थोड़ा सा ज़्यादा सीरम लगा लो बाल आपके सिल्की तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे चिप चिप सी फीलिंग आती है ऐसा नहीं होगा हर वॉश के बाद आपके बाल जो हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे ठीक है देखो जो बालों को नीड है ना ड्राइनेस की वजह से वो डेड हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से वो डैमेज हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से वो रूखे रूखे फूले फूले लगते हैं तो जब इसमें मॉइस्चर जाएगा जब इसमें हाइल्रोनिक एसिड जाएगा तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ठीक है चीज जिसका मैंने टेस्ट परफॉर्म किया वो ये था कि जब मैं अगर इसको यूज करना छोड़ दूं तो कितने दिन तक मेरे बालों की वही कंडीशन रहती है अच्छा इसको जब मैंने यूज करना छोड़ा पहला जब मैंने टाइम था जब दूसरा शैम्पू मैंने यूज किया तब भी मेरे बाल मुझे काफी सॉफ्ट लगे सेकंड टाइम में भी मेरे बाल जो थे वो काफी मुझे आ, पहले की इस थोड़े से कम सॉफ्ट लगे लगिन लेकिन लगिन लगिन लेकिन सॉफ्ट मुझे लगे ठीक है अच्छा अब थर्ड टाइम जब मैंने शैम्पू किया ना दूसरा मतलब तीसरी दफा मैं जब दूसरा वाला शैम्पू थी वो जब मैं यूज करी थी तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार इसके बेनिफिट जा रहे हैं डेफिनेटली देखो अच्छा एक और क्वेश्चन ना मुझसे बार बार पूछा जाता है कोई वाइटनिंग क्रीम या कोई नाइट क्रीम या कोई इस तरह का मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रही होती हूँ आप कहते हो कि आपकी तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो परमानेंट है भाई इसके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते नहीं होते एक जो चीज़ आपकी डैमेज हो चुकी है आप उसको रिटेन कर सकते हो उसको आप कुछ यू नो रिवाइव कर सकते हो आप ये नहीं कह सकते कि दफा ट्रीटमेंट दिया तो वो लाइफ टाइम है ऐसा नहीं होगा ठीक है वाइटनिंग क्रीम्स भी अगर आप लगाते हो पिगमेंटेशन अगर आपके फेस के ऊपर है तो उन लोगों को आइडिया होगा बल्कि जिसकी अगर स्किन डल भी है लगाते रहोगे तो स्किन जो है वो आपकी ठीक रहेगी जब आप छोड़ दोगे स्किन दोबारा ही ऐसी हो जाएगी क्योंकि देखो रीज़न ये है ना रीज़न ये है कि जिस वजह से आपकी स्किन के ऊपर ये प्रॉब्लम आया वो वजूहत अभी भी हमारे आसपास आसपास जो है वो एग्जिस्ट करती हैं हम लोग सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ लेते हैं कि जो जो डैमेज हमारी स्किन को चीजें कर रही हैं उनको हम लोग खत्म कर दें उसके नुकसान कम से कम हो लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो रही है या आपके बाल डैमेज हो रहे हैं चाहे वो हमारा वेदर है चाहे वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो हमारे घर में कोई ह्यूमिडिटी वगैरह है या कुछ भी है या हारमोन्स हैं या कुछ भी है ठीक है सो कुछ भी परमानेंट नहीं होता कुछ भी परमानेंट नहीं है इवन कुछ लोग जो हैं वो इंजेक्शन लगवाते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन कहते हैं जी लेजर करें लेजर भी पर्मांट सोल्यूशन नहीं है बालों के लिए ठीक है सो ये वाले जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हेल्प करती हैं आपको कोई टारगेट अचीव करने में बजाय इससे कि आप ये समझो कि परमानेंट सोल्यूशन है ये ठीक है तो एक दफा लाजमी इसको ट्राई करो आई नो आई नो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इवन इसका कंडीशनर नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा इसके बाल जो है ना वो इसकी वजह से मेरे सॉफ्ट हो गए हैं आप कोई भी रेगुलर जो आ, साथ इसके कंडीशनर होगा वो यूज़ कर सकते हो अभी जब इसका कंडीशनर आ गया मुझे लाजमी 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 बताइएगा आई वुड लव टू बाय क्योंकि मैं ये इसकी पूरी जो है ना एक वो यूज़ करना चाह रही हूँ पूरा सेट करना चाह रही हूँ जिसमें कंडीशनर भी है और मास्क भी है ठीक है तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो वादे के मुताबिक न्यू प्रोडक्ट आया है और आपको मैंने इसका रिव्यू दे दिया है तो मेरी आज की वीडियो इनशाला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज